सो फिलहाल जो आपने इससे पहले क्लिप देखी थी वो थी एम्बेसीज थी, वो जैसे ब्रिटिश एम्बेसी, कनाडा की एम्बेसी, तो सारी जो रूट थी वहाँ एम्बेसीज हैं। तो अभी आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। बाकी स्टे ट्यून्ड, वीडियो में बने रहना आखिरी तक, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, देखते रहो। तो फिलहाल हम आए हुए हैं इंडिया गेट, मेरे पीछे इंडिया गेट है जो दिख रहा होगा आपको, तो मैं अभी फ़ोन से जूम करके दिखाऊंगा। बाकी भाई दिल्ली का ट्रैफिक तो क्या बोलना, दिल्ली के ट्रैफिक के लिए अभी अंदर तो जाने नहीं दे रहे कोविड की वजह से। बाकी पीछे जैसे मेरा इंडिया गेट है, मैं दिल्ली खुद 10-15 साल बाद आ रहा हूँ, तो देखते हैं दिल्ली मतलब काफ़ी डेवलप हो चुका है भाई। मैं तो पहले आया था तो कुछ भी नहीं था यहाँ, और आज ऐसा है कि मतलब पता ही नहीं चल रहा जाना कहाँ है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बाकी पीछे इंडिया गेट है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो वो रहा इंडिया गेट, और फिलहाल अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, और ट्रैफिक जैसे मैंने बताया आपको भाई 24 घंटे गाड़ियाँ चलती रहती है। तो वापस चलते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, ज़्यादा देर यहाँ सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि भाई शोर शराबा ज़्यादा है और इससे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा हूँ। चलते हैं फटाफट, मास्क तो निकालना ही नहीं है यहाँ, मास्क निकाल लेते तो 2000 रुपये का चलाना है। तो चलो फटाफट चलते हैं। ये है इंडिया गेट, और पास दिखाता हूँ आपको। बाकी दिल्ली पुलिस ने तो बंद करा हुआ है फिलहाल, कोविड वगैरह की वजह से या किसी और कारण की वजह से। ये सारी 11 मूर्ति हैं, गांधी जी दिख रहे होंगे आपको। बस सट गई, हट जाओ बस सट जाओ। ये 11 मूर्ति चौक बोलते हैं ना सर। फिलहाल अभी हम कनॉट प्लेस में रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए, तो मेरे चाचा जा रहे हैं कुछ खाना लाने के लिए, या कुछ ब्रेड पकौड़ा वगैरह खा लेते हैं, भूख लग रही है। तो कनॉट प्लेस में अभी हम छः भाई, पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है पार्किंग की। तो अभी हम फिलहाल मैं ट्रक में यहाँ पर वो लेके आ रहे हैं, और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ फिलहाल कनॉट प्लेस का। बाकी तो मेन तो पीछे है, बाकी थोड़ा पार्ट है कनॉट प्लेस का ही। कुछ ऐसा है मार्केट, मार्केट में भी काफ़ी है, मतलब भीड़ तो है ही, ऐसा भी नहीं कि खाली है, बट भीड़ है बहुत ज़्यादा। फिलहाल मैं हूँ दिल्ली के बस स्टैंड पे, तो एक्चुअली मैं जा रहा हूँ वापस गुरुद्वारा, जो मैं काम जो दिल्ली आया था वो काम हो चुका है। मैं चल रहा हूँ गुरुद्वारा वापस, तो गुरुद्वारा या रास्ते में थोड़ा सिनेमैटिक शॉट देखते हुए इंजॉय करेंगे। बाकी चलते हैं गुरुद्वारा वापस। फाइनली हम कोटद्वार पहुंच चुके हैं, ब्लॉगिंग इन कोटद्वार वापस शुरू होने वाली है, तो चलते हैं वापस घर। तो ले पकड़, स्कूटी में चलाता हूँ, हेलमेट दे, तो घर चल के मिलते हैं। तो फाइनली घर में आ चुका था, और कोटद्वार में तो हो रही है बारिश, दिल्ली में तो गर्मी से हम हालत ख़राब हो गई थी, और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं जिस काम के लिए जा रखा था वो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था शूटिंग से, तो वो काम मैंने कर लिया। और थोड़ा बहुत जो शूट किया है इन्जॉय कर लेना, बाकी मुझे रास्ते में मैंने सोचा था सिनेमैटिक शॉट्स लूँगा रास्ते के, बट मैं खुद ही सो गया। और फिर जब मेरी आँख खुली तो हम कौड़िया पहुँच चुके थे, मैंने सोचा वहाँ फिर कोविड टेस्ट होगा तो उसके भी रिकॉर्डिंग होगा, तो कोविड टेस्ट भी नहीं हुआ हमारा, तो हम सीधा घर आ गए। भाई आया था लेने के लिए जैसे देखा होगा अपने वीडियो में, तो इसे देखे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। पापा ले गए थे ऐसे स्कूल में, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो बारिश में खड़ी कर दी, तो धुल गई थोड़ी बहुत, नीचे से थोड़ी बहुत गंदगी रह रखी है,
तो उसे हम बाद में धुलवा के ले आएंगे दुकान वगैरह से। उसकी फर्स्ट सर्विस है वो भी आने वाली है, तो इसे भी करवा के आएंगे। क्या पता उसकी वीडियो अलाउड करे बनाना, तो उसकी बनाऊँगा। उस दिन स्कूटी वाले ने तो नहीं की थी, और फिर दूसरी स्कूटी की मैंने करा दी, उसमें टाइम नहीं मिला मुझे शूट करने का। तो इसका देखते हैं होता है नहीं होता। और चलते अंदर, बाहर बारिश हो रही है, मेरा माइक वगैरह भीग जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ब्रो, कर देना। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही होगी।